कि कोई भी पैथी एक हेल्दी पर्सन के लिए तकिया कभी रिकमेंड नहीं करती, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना नेचुरोपैथी किसी भी फिट पर्सन के लिए तकिया रिकमेंड नहीं करते। तकिया केवल बीमार लोगों के लिए है या फिर VIP जोन वाले, कंफर्ट जोन वाले लोग इस तकिए को यूज़ करते हैं। दुनिया में कोई भी योगी, कोई ब्रह्मचारी तकिए को यूज़ नहीं करता, कोई एनिमल भी तकिए को यूज़ नहीं करता, ये तो केवल बीमार लोगों के लिए है। क्या नुकसान होता है तकिए से? तकिए से एक तो गर्दन और कंधों में खिंचाव होता है, दर्द होता है, नेक स्ट्रेन या सर्वाइकल पेन होता है तकियों से कमर में दर्द या रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है, बैकएक होता है, गहरी नींद नहीं आ सकती तकिए लगा के, इंसोम्निया की बीमारी हो सकती है, फिर चेहरे पे झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, तकिए से मुहासे ही बढ़ सकते हैं क्योंकि तकिए के कवर को लोग एक एक हफ्ते तक नहीं धोते, फिर बच्चों में भी दुर्घटना हो सकती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है तकिए से, सडन चोकिंग हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है तकिए से, खराटे आ सकते हैं तकिए से। इसलिए तकिए के उपयोग से बचें। अगर आपको तकिए की जरूरत महसूस हो रही है तो अपना BP, शुगर या कोई अपना होल बॉडी चेकअप कराएं कि आपको तकिए की जरूरत क्यों पड़ रही है। किसी भी मेहनती व्यक्ति को तकिए की जरूरत कभी नहीं पड़ सकती।